नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बीजेपी के दिग्गज नेता वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब एक साथ दिखते हैं, तब तब राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार देखा गया है कि कभी वसुंधरा राजे बीजेपी से नाराज हो जाती है, मोदी से नाराज हो जाती है, तो फिर बीजेपी मोदी उन्हें मनाते हैं और फिर वसुंधरा वापस से बीजेपी के साथ नजर आती है, मोदी के साथ नजर आती है। कई बार दोनों के टकराव के किस्से भी सामने आए, खबरें भी सामने आई, लेकिन अब एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां वसुंधरा के बेटे जो है वो मोदी की राह पर चल पड़े हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। अब क्या है पूरी खबर, चलिए आपको भी बताते हैं खबर के बारे में। दरअसल हुआ कुछ यूं कि इस वक्त वसुंधरा राजे के बेटे और सांसद दुष्यंत सिंह का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में दुष्यंत सिंह जो है वो चाय बनाते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, दुष्यंत सिंह चाय बना रहे हैं। यही कारण है कि लोग इसे प्रधानमंत्री मोदी से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे के बेटे जो है सांसद दुष्यंत सिंह वो मोदी की राह पर है। इस वीडियो में सांसद ना सिर्फ चाय बनाते दिख रहे हैं, बल्कि वो लोगों को चाय पिलाते भी नजर आ रहे हैं। दरअसल हुआ कुछ कि दुष्यंत सिंह मॉर्निंग वॉक पर निकले, तभी उन्होंने अचानक वहां पर एक शख्स के घर पर दस्तक दी और वहां पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं को भी चौंका दिया। देवलाल भील नाम के एक शख्स के घर पर वो पहुंचे और वहां रसोई में चूल्हे पर उन्होंने चाय बनाई दुष्यंत सिंह ने और वहां मौजूद लोगों को पिलाई भी। इसका वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। अब जब ये वीडियो वायरल हो रहा है तो लोग कह रहे हैं कि वसुंधरा के बेटे मोदी के राह पर चल पड़े हैं, क्योंकि ये तो हर कोई जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी बचपन में चाय बनाते थे, चाय बेचते थे, इसीलिए लोग इसे चाय से जोड़ रहे हैं, मोदी से जोड़ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के गांव चलो अभियान को लेकर ही दुष्यंत सिंह दुर्गपुरा गांव में पहुंचे थे। इससे पहले वो दुर्गपुरा में ही एक वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता के निवास पर हुई ग्राम चौपाल पर ग्रामीणों के साथ केंद्र सरकार की योजनाओं पर उन्होंने चर्चा भी की थी और वहीं से ये वीडियो वायरल हुआ है जिसको लोग मोदी से जोड़ रहे हैं। बात करें वसुंधरा राजे की, तो बीच बीच में खबरें आती ही रहती थी कि वसुंधरा राजे नाराज चल रही है मोदी से, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव हुआ था राजस्थान में तो कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे को सीएम बनाया जा सकता है और वो खुद भी सीएम बनना चाहती है। लेकिन सब कुछ पलट जाता है, खेल बदल जाता है, क्योंकि बीजेपी वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाती है और भजन लाल शर्मा को सीएम बना दिया जाता है, जिसके बाद से वसुंधरा काफी नाराज भी नजर आई थी, उनके चेहरे पर नाराजगी झलकी थी। इसके अलावा जब सीएम बन गए थे भजन लाल, उसके बाद भी कई बैठकें हुई थी लेकिन कहीं भी वसुंधरा राजे नजर नहीं आई थी। लेकिन फिर अचानक से एक तस्वीर सामने आती है जब वसुंधरा मोदी के साथ नजर आती है एयरपोर्ट पर, तब कहा जाता है कि लगता है मोदी ने वसुंधरा राजे को मना लिया है लोकसभा चुनाव को लेकर। तब के बाद से वसुंधरा राजे अभी फिलहाल बीजेपी के साथ ही नजर आ रही है, बैठकों में हिस्सा भी ले रही है और अब तो उनके बेटे का भी वीडियो वायरल हो रहा है जो मोदी के गांव चलो अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं और मोदी की राह पर भी चल रहे हैं, चाय बना रहे हैं। फिलहाल इस वायरल वीडियो पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।